तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदेव मोटर व्लॉग्स। तो कैसे हैं सब लोग, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जा रहे हैं अपनी KTM RC 200 का रिव्यू करने, सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। तो भाई ये लगी हमारी KTM RC 200 BS6। तो भाई इसकी पावर फिगर के बारे में बात कर ले तो 19.5 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करती है, 24 PS की पावर जनरेट करती है 10,000 RPM पे, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है RC 200। तो भाई इसके ओवरऑल लुक्स चेक कर लो भाई, इसकी पुराने वाली KTM RC 200 के हिसाब से तो भाई बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है भाई। मतलब मेरे को तो लगता है इसकी चेसी भी चेंज कर दी, इसका फेस भी चेंज कर दिया, इसके साइड लुक्स भी चेंज कर दिया, इसके सस्पेंशन भी चेंज कर दिया, इसकी लाइट्स भी चेंज कर दी भाई, यहाँ तक कि मिरर तक नहीं छोड़े। मेरे को नहीं लगता भाई एक भी इतनी सी भी छोटी सी चीज़ भी बची है जो इसमें चेंज करने लायक है भाई। इसका हर एक चीज़ चेंज कर दी, देख लो भाई इसके लुक्स चेक कर लो भाई। गूगल पे देख के तो भाई हर लोगों ने भाई इसको अंडर एस्टिमेट करा, लेकिन भाई मैंने कभी नहीं करा, मेरे को तो भाई देख के ही पसंद आ गई थी, जैसे कि मैंने इसे तभी तो लिया है। और भाई इसके लुक्स मेरे को भाई कहीं से कहीं तक भी क्लैश नहीं करते भाई, बहुत प्यारे लुक्स लगते हैं। अगर आपको भी लेनी हो तो भाई मैं तो भाई प्रेफर करता हूँ कि भाई बिल्कुल बेहतरीन बाइक है भाई, पावर फिगर्स के मामले में भी और लुक्स के मामले में भी। इसका पुरानी KTM RC 200 के हिसाब से भाई जो मैक्स चेंज करा है भाई, इसका लुक्स देख रहे हो भाई, पुरानी वाली KTM RC 200 के हिसाब से भाई कितनी ही ज़्यादा बल्कि है। पुरानी वाली KTM RC 200 में तो भाई मतलब थोड़ा एरोडायनेमिक्स में भी बैठना पड़ता था, लेकिन इसमें मेरे को इतना ज़्यादा एरोडायनेमिक्स में नहीं बैठना पड़ता भाई। इसका बल्कि लुक्स चेक कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे KTM जिम जाके बॉडी वॉडी बनाकर आई है। वो भाई पीछे से भी टेल लाइट वगैरह भी भाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिए। मुझे तो बल्कि पुरानी वाली KTM RC 200 ऐसी लगती थी कि भाई इस पर कोई ज़्यादा लोग बैठ भी नहीं सकते। पुरानी वाली सीट, पुरानी KTM RC 200 में तो भाई पीछे की सीट भी बहुत ज़्यादा स्टफ थी, लेकिन भाई इसमें देख लो आपको कितना ज़्यादा कुशन मिलता है देखने को। लेकिन बस इसमें भी एक डिसएडवांटेज मेरे को लगता है, लेकिन भाई देखो हर बाइक कोई भी कैसी बाइक बनाए, हर बाइक के अंदर अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि हम इस बाइक की इस वीडियो के अंदर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा ठीक है। तो भाई मेरे को पहले डिसएडवांटेज लगता है इसकी सीट हाइट। भाई इसकी सीट हाइट इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मेरी बहन भी नहीं बैठ सकती इस पर। शॉर्ट लेंथ वालों के लिए तो भाई बिल्कुल ख़राब है भाई, वो बैठ ही नहीं सकता। मैं कैसे भी कर मतलब किसी कुछ भी कर लो बैठ ही नहीं सकता। लॉन्ग लेंथ वालों के लिए तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है, वो बैठ सकता है। जैसे मेरी भी हाइट सही है, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना मेरे को बैठाना होता भाई। मैं तो सोलो राइड ही करता हूँ, मैं तो सिंगल ही हूँ। तो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। इसका मेरे को सेकंड डिसएडवांटेज लगता है भाई इसका हीटिंग इशू। भाई मैं मतलब अपने घर से यहाँ तक भी आया हूँ ना, ये इतना ज़्यादा ओवर हीट कर रही है, इतनी ज़्यादा बस क्या ही बताऊँ। आप मीटर में भी देख लो बड़ी, हाँ तो भाई आप मीटर में भी देख लो, ये जो 4 बॉक्स बन रहे हैं ना भाई, ये उसके हैं और उसके साइड में उसके हैं पेट्रोल के। तो ये जो 4 बॉक्स बन रहे हैं ना, इसके बाद 5th बॉक्स पे इसके फैंस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड गोल्ड है। तो भाई आप खुद देख लो कैसे भाई, मतलब थोड़ा बहुत किलोमीटर चला के भाई इसका हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे अब तो गर्मी में चल रहे हैं तो और ज़्यादा हीटिंग इशू होगा, ठंड में तो थोड़ा कम हो रहा था। और भाई थर्ड डिसएडवांटेज है इसका माइलेज भाई। KTM RC 200 है ये, 200 तो भाई 200 के हिसाब से भाई इसका बहुत बेकार माइलेज है। ये मान लो मैं 15-20 का माइलेज मेरे को मिल रहा है जिस हिसाब से मैं इसे चला रहा हूँ। बहुत देखो भाई 200 CC के हिसाब से तो भाई 15-20 बहुत बेकार है भाई। इससे बड़े तो RC तो KTM तो बिल्कुल भी नहीं देती, लेकिन R15 इतना आराम से दे देती है। माइलेज के मामले में तो भाई R15 गॉड है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है भाई, गॉड जिसे कहते हैं ना। माइलेज तो भाई बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, ये बिल्कुल अच्छा प्रोवाइड नहीं करती। जहाँ तक कि मैं सोच रहा हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो माइलेज टेस्ट के ऊपर ही बना लूँ, क्योंकि भाई मैंने भी अभी तक इसका माइलेज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कराया। मैं भी बस इसका अंदाजा नहीं बता रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वीडियो माइलेज टेस्ट के ऊपर भी डालेंगे कुछ यूनिक वे में, वो भी मैंने अलग सोच रखा है। तो उसके लिए फोर्थ डिसएडवांटेज मुझे लगता है भाई इसका मीटर। भाई देखो ये मीटर मिलता है पुराने वाली वाइज से तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपग्रेड है, लेकिन तब भी देखो थोड़ा बहुत सुना सा लगता है ना मीटर भाई। अगर इसके अंदर 390 वाला मीटर दे देते तो भाई क्या चला जाता भाई। इस बाइक के ऊपर कोई भी इसे बाई कर रहा है तो भाई 3 लाख अराउंड वो खर्च कर रहा है भाई। 3 लाख के अंदर भी आपको अगर ऐसा मीटर मिल रहा है ना, तो अकॉर्डिंगली तो भाई 390 वाला मीटर ही ज़्यादा बढ़िया था। ये वाला मीटर इन्हें 125 तक ही इन्हें सीमित रखना था। वो भाई ड्यूक में भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन और वो चेंज कर देने चाहिए भाई, इन्हें बस कलर चेंज कर करके ही लाए जा रहे हैं। अच्छा एडवांटेज है इसका भाई ग्राउंड क्लियरेंस। भाई
इतनी ज़्यादा डाउन है ना ये पुरानी वाली KTM RC 200 भी बहुत ज़्यादा डाउन है, नई वाली भी भाई बहुत ज़्यादा डाउन है। नई वाली में वैसे ये WP के सस्पेंशन लगा रखे हैं आगे ताकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मेरे को तो भाई अब भी उतनी प्रॉब्लम होती है, पुरानी वाली KTM RC 200 भी उतनी लगती थी। मैंने औरों की बहुत पूछा भाई, उनकी बहुत ज़्यादा लगती है जितनी ये लगती है। ये मान लो वैसे ये भी है कि यार हमारे यहाँ पे या मतलब हर जगह स्पीड ब्रेकर कुछ ज़्यादा ही हाई हाई पे बनाने लगे लोग, उससे पता नहीं लोगों को क्या मिल जाता है, हम धीरे तो तब भी नहीं चलते। भाई इसका 60 एडवांटेज मुझे लगता है भाई इसका स्टफ सस्पेंशन, ये मान लो भाई इतना ज़्यादा स्टफ है ना इसका सस्पेंशन सिटीज़ के हिसाब से, तो भाई छोटे से छोटे गड्ढों में भी भाई राइडर को पूरा हिला देती है बहुत सही से, मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टफ है। ठीक है भाई इसका 7 डिसएडवांटेज मुझे लगता है भाई इसकी हैंडलिंग, भाई हैंडलिंग बहुत प्यारी है। आप बोलोगे प्यारी है तो भाई डिसएडवांटेज में कैसे आ गई, अकॉर्डिंग टू 390 भाई इसकी हैंडलिंग थोड़ी ज़्यादा स्टफ है, थोड़ी ज़्यादा हार्ड है भाई। 390 में ना इतनी ही प्यारी हैंडलिंग है जैसे R15 है ना, हल्की फुल्की सी, मतलब कहीं भी ले जाओ कहीं भी मोड़ दो वाले सीन है, वैसा ही भाई उसके साथ भी है। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा भारी हैंडल है भाई इसका, थोड़ा सा मतलब कटिंग वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब इसे पतले पतले दुबले दुबले लोग नहीं चला सकते भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है भाई। मुझे सस्पेंशन उसका हैंडलिंग इसकी 390 के अकॉर्डिंग भाई, क्योंकि 390 तो बिल्कुल मक्खन हैंडलिंग है, बिल्कुल मक्खन। तो भाई इसकी थोड़ी हैंडलिंग भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो वो भी इसका डिसएडवांटेज है। तो गाइस इसका 8 डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि भाई एडवांटेज इसलिए क्योंकि लुक्स भाई इसका जो बल्कि लुक्स है ना भाई इतनी ही ज़्यादा बल्कि हो गई है कि भाई जैसे 600 to 700 cc की लगती है, इतनी ही ज़्यादा बल्कि है, जहाँ से भी देखोगे ना इतनी ज़्यादा बल्कि है टोटली। लेकिन भाई यही इसका थोड़ा सा लुक्स में भी मतलब ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इसको कटिंग वगैरह करने में या कहीं भी बीच में से निकालनी होती है ना, तो थोड़ा डर लगता है कि भाई ये साइड पैनल जो है मतलब ये और इसका हैंडल ऐसा कहीं लग लगाना जाए, क्योंकि लोग इतना तो बचा लेते हैं। जो पुराने वाले KTM RC 200 है वो तो भाई इतनी पतली सी है कि भाई दो ऑटो भी चल रहे हैं ना जूम करके बीच में निकल जाएगी, लेकिन भाई इसमें आपको दो बार तो सोचना ही पड़ेगा कि भाई निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, निकल जाएगी नहीं नहीं निकलेगी। तो भाई ये है इसके टॉप 8 डिसएडवांटेज जो भाई मुझे लगे, तो भाई आपको भी लगेंगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांटेज के ऊपर जरूर लाऊंगा और इसका माइलेज टेस्ट भी ज़रूर करूंगा, क्योंकि भाई मैं भी इसमें यूँ मतलब थोड़ा कि भाई माइलेज कितना देती है ये, क्योंकि मुझे तो 15 to 20 अराउंड इसका माइलेज लगता है जैसा कि मैं चलाता हूं इसको। भाई ये इसका भाई हमेशा टंकी इसकी खाली रहती है, अभी मैं इसे पेट्रोल भरा के लाया हूं, हमेशा इसकी टंकी खाली रहती है। तो भाई परसेंटेज का पता ये फायदा होता है कि भाई मतलब हर इंसान तो ये बताता है इसमें ये डिसएडवांटेज है वो डिसएडवांटेज, मतलब सब चीज़ वो KTM RC 200 में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज लुक्स बताए जाते हैं। तो भाई और हम वो डिसएडवांटेज मैंने वो डिसएडवांटेज बताया जो हर राइडर फेस करेगा इसे लेने के बाद मेन, क्योंकि भाई देखो हर बाइक का कोई डिसएडवांटेज होता ही होता है, मैं हर छोटा एडवांटेज डिसएडवांटेज को बताऊँगा तो भाई बाइक में हर डिसएडवांटेज की डिसएडवांटेज है। बाइक में अगर हर मैं डिसएडवांटेज बताने लगा तो बाइक में पूरी बाइक में डिसएडवांटेज है। तो भाई सारे मेन डिसएडवांटेज मैंने कवर इस बाइक में कर लिया। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, दिस इज मोटोलॉग साइनिंग ऑफ, बी सेफ राइड सेफ। भाई आपको कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ भी बेकार लगा हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा भैया क्या करोगे, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा इसके एडवांटेज के ऊपर, क्योंकि जो कि भाई मुझे बहुत अच्छे लगे जिसकी वजह से मैंने बाइक खुद परचेज करी है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।